चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर लाइट एंड साउंड शो के स्क्रिप्ट को लेकर उठा विवाद अब खत्म हो गया है। आपत्ति के बाद लाइट एंड साउंड शो के स्क्रिप्ट को दुरुस्त किया गया है। खुद जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और आरटीडीसी अधिकारियों के साथ लाइट एंड साउंड शो को देखकर लाइट एंड साउंड शो को चलाने की हरी झंडी दे दी गई है। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा से सहयोगी पी के अग्रवाल ने खास बातचीत की। चित्तौड़गढ़ दुर्ग से अच्छी खबर ये है कि अब फिर से लाइट एंड साउंड शो शुरू हो गया है। दो दिन पहले जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने तो उद्घाटन किया, लेकिन चलते लाइट एंड साउंड शो में सांसद चंद्रप्रकाश जोशी की आपत्ति के बाद उसे बंद कर दिया गया था। स्क्रिप्ट पर लेकर के आपत्ति थी, लेकिन अब सुधार दिया गया है। हमारे साथ है जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, जानने की कोशिश करेंगे आपत्ति के बाद फिर से शुरू हुआ है, कैसे देखते हैं आप इसे? वैसे तो ये जो स्क्रिप्ट है वो वर्ष 2007 से ही मतलब यही स्क्रिप्ट है, केवल इसका लाइट एंड साउंड शो का अपग्रेडेशन किया है। लेकिन जब ये जब इसका लोकार्पण हुआ उसके बाद में कतिपय बिंदु आए तो हमने बहुत ही मतलब बेहतर ढंग से इसको पुनः इसको बनाया है और आप देख सकते हैं कि ये बेहद खूबसूरत लाइट एंड साउंड शो है और जन भावनाओं को देखते हुए कतिपय जो हमको दुरुस्ती करनी थी वो भी हमने कर दी है और आज आप देख रहे हैं इसमें समता से ज़्यादा जो हमारे पर्यटक हैं जितनी चेयर्स नहीं है उससे डेढ़ गुना पर्यटक यहाँ इस लाइट एंड साउंड शो को देख रहे हैं और बेहद खूबसूरत ये लाइट एंड साउंड शो है। लगता है जो आपत्तियाँ थीं उन्हें हटाने के बाद में अब वो सुचारू चलेगा या फिर भी कोई आपत्ति आने की संभावना? नहीं, ऐसी कोई बिंदु ही नहीं है। कल हमने जो समाज के मौजूद आदमी जो और संस्थान के हमारे मौजूद समाज के राजपूत समाज के मौजूद व्यक्तियों को और सांसद महोदयों को खुद को भी ये सो दिखा दिया था, किसी तरह की कोई बात नहीं है अभी इसमें। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जिस तरह से आपत्ति थी उसे हटा दिया गया है और उसके बाद फिर से पर्यटकों के लिए लाइट एंड शो चालू रहेगा और उम्मीद की जानी चाहिए कि इसी तरह बढ़ते पर्यटन उद्योग में चित्तौड़गढ़ के लिए एक मिसाल कायम करेगा। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़।